हेलो फ्रेंड्स सो टुडे इन दिस क्लास आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कार्निवोरस प्लांट एंड वन ऑफ द मेन वन ऑफ द इम्पॉटेंट कार्निवरस प्लांट दैट इज द वीनस फ्लाई ट्रैप और द डायोनिया मिस्कीपुला सो कार्निवोरस प्लांट्स आई होप आप लोग जानते हैं कार्निवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं फोटोसिंथेसिस तो इनमें होती है वो जैसे कि सब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है उसी तरह से इन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है बट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं ये प्लांट्स इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट फीडिंग प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं या फिर उनको डाइजेस्ट करके उनकी उन, उनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं तो उसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है इसमें दैट इज द वीनस फ्लाई ट्रैप द साइंटिफिक नेम इज द डायोनिया मश्कीपोला तो आज हम लोग इस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस प्लांट का बेसिकली नाम कहाँ से आया और कुछ हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर हम इसका मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये जो ट्रैप मैकेनिज्म है फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म है ये काम करता है तो सबसे पहले क्या है दिनस फ्लाइट ट्रैप इज अ कार्निवर्स प्लांट नेटिव टू सब ट्रॉपिक वेटलैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ केरोलाइना एंड साउथ का जो ओरिजन है या फिर सबसे पहले जहां पर देखे हैं ये प्लांटना उसके बाद इस प्लांट का जो नाम है दैट इज द वीनस फ्लाइट रैप या फिर डायोनिया मेस्पुला इस नाम की हिस्ट्री क्या है द्लांट कॉमन नेम रेफर टू दिनस द रोमन गॉडेस ऑफ लव द जीनस नेम दैट इज डायोनिया द डायोनिया नाम जो है वो लिया गया एक ग्रीक गॉडेस से दैट इज द एफ्रोडाइट और जो जिसका स्पीशीज नेम है मस्कीप्यूला दैट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैटिन में इसको हम यूज करते हैं मस्कीप्यूला वर्ड को यूज करते हैं माउस ट्रैप या फिर फ्लाई ट्रैप वर्ड के लिए तो यहां से इसका नाम लिया हुआ है तो दैट इज वाई इसका जो नाम है द साइंटिफिक नेम इज द डायोनिया मस्कीप्यूला एंड द कॉमन नेम इज द वीनस फ्लाई ट्रैप और इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम ट्रैप मैकेनिज्म बोलते हैं क्योंकि ये इस प्लांट का एक लीफ है इस लीफ के ये दो लोब्स हैं एक ये लोब है और एक ये लोब है और ये जो क्या करता है कि ये इंसेक्ट को इन दोनों लोब्स के बीच में इंसेक्ट्स को फिक करता है जिसकी वजह से इसको हम ट्रैप बोलते हैं मतलब वो ट्रैप कर लेगा उस इंसेक्ट को इन दो लोब्स के अंदर तो उसी तरीके से अब हम इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखेंगे तो ये जैसे कि बहुत सारी डायग्राम्स हैं जिसमें आप देख पा रहे हो तो इसके बाद सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर का इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे लाइक like इसका जो स्ट्रक्चर है जैसे कि ये वाली डायग्राम में आप देख रहे हो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है इसके लीफ की तो इसके लीफ में क्या रहता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहे हैं हेयर्स दीज आर नोन एज सेंसिंग हेयर्स जो यहाँ पे रेड कलर की डायग्राम में शो किए हुए हैं एंड देर इज अ ये जो नीचे की लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और जो ऊपर की लेयर है दोनों तो मतलब लाइक दो लोअर वन इज लोअर एपिडर्मिस एंड द अपर वन इज अपर एपिडर्मिस ये जो आपको वेन दिख रहा है दैट इज द ये मिडरिप रीजन है जो कि ये वाला रीजन ये वाला रीजन मिडरिप रीजन और उसी तरीके से ये कम्पोज होता है पैरेंटमा सेल से और जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं तो अब ये किस तरह से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है अब हम उसको स्टडी करेंगे तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है सो द लीव्स ऑफ ट्रैप ओपन वाइड एंड ऑन आर शॉर्ट स्टिफ हेयर जो कि मैंने आपको बताया उस पर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल जिनको हम सेंसिटिव हेयर्स या फिर ट्रिगर हेयर्स बोलते हैं लाइक like, जब भी कोई चीज उनके साथ कॉन्टेक्ट में आएगी या फिर उनको कोई चीज टच करेगी वो सिग्नल करेंगे दोनों लोब्स को और वो दोनों लोब्स जो है वो बेंड हो जाएंगे when anything touches these hairs enough to bend them the two lobes of the leaf snap shut trapping whatever is inside the trap will shut the, shut in less than a second to so, jab bhi koi cheez un hairs ko touch karegi to jo wo snap trap jo wo trap hai wo close ho jayega aur ye process hota hai in less than 1 second और जब वो process जब वो close हो जाएगा लोब उसके बाद क्या होगा वेन द ट्रैप क्लोजेज ओवर फूड द सीलिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कीप लार्जर इंसेक्ट इन साइड फोल्ड योर हैंड्स टूगैदर लेसिंग योर फिंगर्स टू सी वट द ट्रैप लुक्स लाइक इन फ्यू मिनट्स द ट्रैप विल शर्ट टाइटली एंड फॉर्म एन एयर टाइट सील इन ऑर्डर टू कीप डिटेरिया आउट साइड सो कुछ टाइम के बाद जब वो उसको पूरा अपने अंदर ट्रैप कर लेगा उसके बाद वो एक एयर टाइट सील बना देता है इन ऑर्डर टू कीप द डिव फूड इन साइड एंड बैक्टेरिया आउट अब जब वो अब जरूरी तो नहीं है कि आ, इंसेक्ट ही आके उसको टच करेगा गलती से या फिर बाई मिस्टेक या बाई ह्यूमन सम एक्टिविटी कोई स्टोन या कोई नट या कोई और कोई ऐसी चीज वहां पे आके टच कर सकती है सो इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट फूड एग्जाम्पल स्टोन और नट द ट्रैप विल री ओपन रीओपन इन अबाउट ट्वेल्व होगा कि होगा तो जो वो ट्रैप है वो ऑटोमेटिकली अप्रोक्सी बारह घंटे के अंदर वो खुल जाता है और उसको बाहर फेंक देता है और एक और केस है इफ इंसेक्ट इज टू लार्ज इफ इंसेक्ट इज टू लार्ज इट विल स्टिक ट्रैप दिस बैक्टेरिया एंड मोल्ड ऑन द इंसेक्टू थ्राइव इवेंचुअली मतलब है इसका अगर इंसेक्ट उसके ट्रैप से बहुत बड़ा होगा तो वो इंसेक्ट जो है वो उसको कवर नहीं कर पाएगा तो उसको लोभ को खोल के उस इंसेक्ट को बाहर भेजना पड़ेगा और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया या मोल्ड्स जो होते हैं वो अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं उस प्रोसेस में और वो बैक्टीरिया या मोल्ड जैसे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उस लीफ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं सो इवेंचुअली द ट्रैप टर्न्स ब्लैक रॉट एंड क्सा हो मेकेजम तो होता है इसमें यह और जब उसने उसको अंदर ले लिया एक डाइजेस्टिव फ्लूड अंदर बना दिया उसके उसके बाद क्या होगा द ट्रैप कॉन्स्ट्रिक टाइटली अराउंड द इंसेक्ट अनसिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस मतलब वो कुछ एंजाइम्स या कुछ ऐसे प्रोटीन्स uh, सिक्रीट करेगा जो कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे इट डिजॉल्व द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बट नॉट द टफर आउटर पार्ट कॉल द एग्जोस्केल्टन वो सिर्फ सॉफ्ट जो पार्ट होंगे किसी भी इंसेक्ट के उनको डाइजेस्ट करेगा बट जो एग्जोस्केल्टन होगा या फिर जो भी हार्ड पार्ट होगा उस इंसेक्ट में उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस विच टेक्स फ्रॉम फाइव टू ट्वेल्व डेज ये फाइव पांच से बारह दिन का उसका पीरियड होता है अप्रोक्सीमेट द ट्रैप रीअबॉर्ब द डाइजेस्टिव फ्लूड एंड देन ओपन्स द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द इंसेक्ट जो एग्जोस्कैल्टन या फिर और कुछ डेबरीज या कुछ ऐसी चीजें जो बच गई थी जो कि डाइजेस्ट नहीं की थी ब्लोन अवे इन द विंड और आर वॉश्ड अवे बाय रेन द टाइम इट टेक्स फॉर द ट्रैप टू री ओपन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंसेक्ट टेम्परेचर द एज ऑफ द ट्रैप एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज प्रोसेस सो ये कुछ फैक्टर्स है डिपेंड करता है कि वो जो ट्रैप है वो कितने दिन में उसको डाइजेस्ट करेगा कितने दिन में रीओपन होगा और कितने दिन में अपना प्रॉपर मेकेनिजम कर पाएगा तो अभी इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये फ्लार का एक ट्रांसवर्स व्यू है जिसमें आप देख सकते हो ये इंसेक्ट है ये इंसेक्ट जब आएगा और ये इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को टच करेगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये छह हेयर लाइक प्रोजेक्शन है अगर इनमें से किसी को भी टच करेगा तो विद इन लेस देन वन सेकेंड ये जो है ये क्लोज हो जाएगा ये लोब जो है वो ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज होने के बाद यहाँ पर ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करेगा जिसकी वजह से जो भी इस इंसेक्ट का सॉफ्ट टिश्यू होगा उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा और जो भी एग्जोस्ल्टन होगा उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा ये रीओपन होगा और जो भी एग्जोस्ल्टन वगैरह होगा उसको बाहर छोड़ देगा और वेट करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट इंसेक्ट्स के आने का अब ये जो ट्रिगर हेयर्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक होता है इन ट्रिगर हेयर्स के जो इस इन हेयर्स का जो बेस होता है इन ये जो बेस है इन यहाँ पर बेस पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो उसी तरीके से इसमें कुछ और पॉइंट्स uh, हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वंस ट्रिगर द ट्रैप स्नैप क्लोज एंड ट्रैपिंग द विक्टम तो ये जब भी उसमें इंसेक्ट आएगा तो वो उसको ट्रैप करेगा द प्लांट देन सिक्रीड्स एंड एंजाइम विच एसेंशियली डिजॉल्व द इंसेक्ट टर्निंग इट इंटू ए डाइजेस्टेबल डिनर जो हमने देखा कि सॉफ्ट टिश्यू को डाइजेस्ट कर देगा एंड आफ्टर दैट आफ्टर अ फ्यू डेज द फ्लाई ट्रैप विल रीओपन टू अवेट इट्स नेक्स्ट विक्टिम और फिर वो अपना नेक्स्ट विक्टिम के लिए वेट करेगा द क्लोजर ऑफ द leaf टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल originating इन द मल्टी sensory hairs. तो दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगा कि जब भी कोई इंसेक्ट उसको टच करेगा आके उन हेयर्स को तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होगा उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा जिसकी वजह से वो जो सेंसरी हेयर्स है वो काम करेंगे और वो सिग्नल करेंगे उस लोक को ताकि वो क्लोज हो सके जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आइन्स का ट्रांसपोर्ट होगा पोटेशियम आइन्स का ट्रांसपोर्ट होगा और इसी तरह से एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म प्रॉपर क्रिएट होगा जिसकी वजह से जो लोब है वो क्लोज होगा तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है इन केस ऑफ डायोनिया मस्कीपूला सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो थैंक यू सो मच